नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। बीजेपी को लग सकता है एक और बड़ा झटका। कई रुकने असेंबली बीजेपी छोड़ने को तैयार। बीजेपी को छोड़कर इत्तेहाद में शामिल होने की तैयारी। क्या वाकई देश बदल रहा है, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में शिवसेना, NCP और कांग्रेस के गठबंधन वाली हुकूमत बनने के बाद महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे मुल्क में हंगामा बरपा है। सियासत बड़ी तेजी से करवट ले रही है और ऐसा लगता है कि अब वाकई देश बदल रहा है। अपोजिशन के ही नहीं बल्कि बीजेपी लीडरान के भी तेवर तेजी से बदल रहे हैं। महाराष्ट्र के साबिक मरकजी वजीर गोपीनाथ मुंडे की बेटी और मौजूदा वक्त में सरगर्म बीजेपी की लीडर पंकजा मुंडे, साबिक लोकसभा स्पीकर और इंदौर मध्य प्रदेश से कई मर्तबा बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट रह चुकी सुमित्रा महाजन, कर्नाटक से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अनंत हेगड़े और महाराष्ट्र बीजेपी के साबिक सदर एकनाथ खड़से ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं। अब इससे बड़ी चौंकाने वाली खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र बीजेपी के तकरीबन 12 अराकीन असेंबली और एक रुकन राज्यसभा बीजेपी को छोड़ रहे हैं और वो शिवसेना, NCP, कांग्रेस के अजीम इत्तेहाद में शामिल होना चाहते हैं। खबर यह है कि इस सिलसिले में इनकी इत्तेहाद में शामिल लीडरान से बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि जो अब बीजेपी को छोड़कर इत्तेहाद के साथ जाना चाहते हैं उनमें वो अराकीन असेंबली भी शामिल हैं जो किसी वजह से इलेक्शन से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन इनके अलावा भी कई अराकीन असेंबली हैं जो बीजेपी छोड़ने को तैयार हैं। नव भारत टाइम्स के मावेन इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए अराकीन ने बताया है कि बीजेपी के एक रुकन राज्यसभा समेत एक दर्जन के करीब अराकीन असेंबली बीजेपी को छोड़कर इत्तेहाद में जाना चाहते हैं। वो असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा देकर ज़िमनी इंतखाबात के जरिए दोबारा असेंबली में आना चाहते हैं और इत्तेहाद में शामिल होना चाहते हैं। इनका कहना है कि वो तालीमी तजारत और चीनी मिल सेक्टर से जुड़े थे और बीजेपी उन्हें काफ़ी परेशान कर रही थी जिसकी बुनियाद पर वो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब वो बीजेपी को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वहाँ के हालात बदल रहे हैं। इसके लिए शायद शिवसेना, NCP और कांग्रेस भी तैयार है। इत्तेहाद का कहना है कि यह पहले भी हो चुका है और ख़ुद बीजेपी ने किया है कि उसने अपोजिशन के अराकीन पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दिलाकर ज़िमनी इंतखाबात कराकर अपनी पार्टी में शामिल किया है। इसलिए अगर ऐसा होता है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इनका कहना है कि जैसे ही मुत्तहिदा हुकूमत से हमें हरी झंडी मिल जाएगी हम अपना इस्तीफ़ा सौंप देंगे। मालूम हो कि इससे पहले लोकसभा के साबिक स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इंदौर के एक प्रोग्राम में बहुत बड़ी बात कही थी जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि जब मैं हुकूमत में थी तो इंदौर के मसले को चाहते हुए भी नहीं उठा पाती थी। तो कांग्रेस के लीडर जीतू भैया वगैरह से कहती थी कि तुम कुछ करो, कुछ बोलो तो मैं संभाल लूँगी। उन्होंने कहा कि पहले हमारे लिए इंदौर है, फिर पार्टी और सियासत है। इसी तरह कर्नाटक के रुकन पार्लियामेंट अनंत हेगड़े ने कहा था कि महाराष्ट्र में चंद घंटों की फडणवीस हुकूमत बनी थी, वो महाराष्ट्र के 40,000 करोड़ मरकज को वापस करने के लिए बनी थी ताकि वो पैसे शिवसेना इत्तेहाद को न जाने पाए। बहरहाल ये जो कुछ हो रहा है कि ये बीजेपी को बेचैन करने वाला है और अपोजिशन को खुश करने वाला। तो क्या वाकई देश बदल रहा है? डॉक्टर नसर खातून, रिजविक रिपोर्ट, MMC न्यूज इंडिया, नई दिल्ली। तो नाजरीन, हम भी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए MMC न्यूज इंडिया और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।